लेकिन याद करो जब 2018 में मोदी जी की सरकार थी और नीचे कुमार स्वामी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी तो आपकी सारी स्कीमें रोक दी गई थी। आपको याद होगा कि यशस्वी स्कीम इसको रोक दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम नहीं भेजे गए थे, उसी तरीके से प्रधानमंत्री के जितने भी कार्यक्रम थे उनको अटकाना, भटकाना, लटकाना, रोकना, यही कुमार स्वामी की सरकार का तरीका रहा था। उससे पहले अगर हम जाएं, तो सिद्धरमैया जी की भी सरकार को देखें, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की स्कीमों को जनता को लाभ न हो जाए, मोदी जी का चेहरा सामने न आ जाए, इसकी साजिश। इसलिए मित्रों, सबसे पहली बात है कि अगर हम कर्नाटक का विकास चाहते हैं तो हमको मोदी जी को आशीर्वाद देते हुए और भारतीय जनता पार्टी की बोमई सरकार को फिर से लाना है, रामचंद्र गोड़ा को फिर से हमको एमएलए बनाना है। इसलिए विकास को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बोलिए, आप रोकने देंगे? रोकने देंगे? आप इसको चलाए रखेंगे ना? बीजेपी को कमल के निशान पर वोट डालेंगे ना? अब दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बताइए, जब ये सिद्धारमैया की सरकार थी तो सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, पीएफआई के गुंडे देश को मुसीबत में डालने का काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप बताइए, आम आदमी का जान माल का खतरा हो गया था कि नहीं हो गया था? और आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के लोग इनका समर्थन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और देखो, सबूतों के आधार पर, ठोस आधार पर पीएफआई को एंटी नेशनल, राष्ट्रवाद विरोधी संगठन करार दिया गया और उसको बैन किया, उसको हम लोगों ने बैन किया, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया जी ने 170 केस पीएफआई के वापस लिए, 1750 लोगों को जेल से छोड़ा, ऐसी सरकार आने देना है क्या? पीएफआई पर बैन लगा रहना चाहिए कि नहीं लगा रहना चाहिए कि नहीं? अगर लगा रहना चाहिए तो कमल के निशान पर बटन दबाना चाहिए। ये भी आप देखिए, अभी डीके शिव कुमार बोल रहे हैं कि हम पीएफआई से बैन उठाएंगे, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोग चाहिए क्या? अब दूसरी बात, तीसरी बात सुन लीजिए, गोमई साहब ने शेड्यूल का, हमारे दलित भाइयों का 2% उनका रिजर्वेशन बढ़ाया। गोमई साहब ने हमारे ट्राइबल आदिवासी भाइयों का 4% का रिजर्वेशन बढ़ाया। हमारे गोमई साहब ने 2% वोकालिंगा का रिजर्वेशन बढ़ाया। हमारे गोमई साहब ने 2% का रिजर्वेशन लिंगायत का भी बढ़ाया। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के आगे चले। अब ये डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया क्या बोलते हैं? हम आएंगे और ये रिजर्वेशन वापस लेंगे। ऐसे लोग चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो याद रखना, सुधाकर को विधानसभा भेजना है, रामचंद्र गौड़ा को बटन दबाना है। आप लोग इतने जोर से बोल रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपको वो बटन दबाएंगे, लेकिन कर्नाटक के गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सबको संदेश दे दो कि अब कर्नाटक में भाजपा 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 भाजपा। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे? करेंगे? मेरी माताएं करेंगी, बहनें करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भारत जय कर्नाटक।